नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले NTPC लिमिटेड के बारे में, तो उसके ऊपर बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर सामने रही। जो भी यहाँ पे खबर है, यहाँ पे जो भी लॉन्ग टर्म के शेयर होल्डर है इनको फायदा हो सकता है। देखिए स्टॉक मार्केट में जो भी खबर आती है अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो इसका फायदा यहाँ पे ट्रेडर लोग उठाते हैं, अगर यहाँ पे खबर लॉन्ग टर्म के लिए फायदा देगी तो इसका जो फायदा होता है लॉन्ग टर्म के शेयर होल्डर के लिए होता है। तो यहाँ पे कोई आपका खुद का भी स्टडी जरूर कीजिए, उसके बाद बाय और सेल का डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा जो NTPC जो कंपनी, इसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसकी वजह से थोड़ी बहुत कंपनी स्लो चलती है। तो आप लोगों को पता रहेगा हर एक कंपनी के अलग अलग सब्सिडीज रहते हैं। जैसे कि जो NTPC यहाँ पे कंपनी, इनकी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी करके एक अलग से सब्सिडी, जो आज का ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पे उसकी सब्सिडीज के लिए। देखिए अगर कोई सब्सिडी अच्छा काम करे तो इसका सीधा फायदा जो रहता है मेन कंपनी को रहता है, क्योंकि जो मेन ओनर रहता है यहाँ पे NTPC है। तो आप लोगों को पता रहेगा यहाँ पे जो NTPC जो कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में काम करते, तो यहाँ पे जैसे कि बिजली सेक्टर जो रहता है इस सेक्टर में यहाँ पे कंपनी काम करते। तो आज का ब्रेकिंग न्यूज़ इसी सेक्टर के लिए, तो चले कवर कर लेते क्या न्यूज़ है अभी। तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ तो पढ़ सकते हैं, जो भी NTPC जो कंपनी है यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट के साथ इन्होंने बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट किया है। किसके लिए एग्रीमेंट किया है? लगभग 10,000 मेगावाट सोलर पार्क खड़ा करने जा रही है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो बहुत ही बड़ी खबर है और आप लोगों को पता रहेगा आने वाले समय में जो भी यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनियाँ काम कर रहे उनके दिन बदलने वाले, क्योंकि आने वाला पूरा जो यहाँ पे ज़माना ग्रीन एनर्जी सेक्टर का हो सकता है। आगे भी न्यूज़ को पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे पूरे न्यूज़ को पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि लगभग 10,000 मेगावाट कैपेसिटी का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क खड़ा जाएगा राजस्थान में। तो आप लोगों को पता रहेगा राजस्थान बहुत ही बड़ा स्टेट है, अगर बहुत ही बड़े यहाँ पे पार्क खड़ा होता है तो इंडिया के लिए बहुत ही फायदा होगा, और इसका जो फायदा है सीधा यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की जो कंपनी है NTPC लिमिटेड के लिए होगा। न्यूज़ का और डिटेल में पढ़ सकते हैं आगे। जैसे कि जो ओकेशन हुआ था जयपुर में हुआ था राजस्थान स्टेट के, तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जो मिनिस्टर है लगभग 2032 तक लगभग 60 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे कैपेसिटी बनाने वाला पार्क खड़ा हो सकता है। तो बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया खबर है NTPC लिमिटेड के लिए। आगे जाके जो कंपनी के रिजल्ट्स रहेंगे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट दिखेगा, जब भी यहाँ पे प्रोजेक्ट खड़ा हो जाएगा उसके बाद जो आने वाले साल रहेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है NTPC लिमिटेड के लिए और उसकी सब्सिडीज के लिए। तो ये तो था आज का ब्रेकिंग न्यूज़। देखिए अभी तो क्वेश्चन ये रहेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है और कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। मतलब बहुत बड़ी लार्ज कैप टाइप की कंपनी, लेकिन आप लोग इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हैं बहुत ही स्लो है। मतलब क्यों स्लो है आप लोगों को समझ में आ रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा जो स्टेक है इंडियन गवर्नमेंट का है और जहाँ पे भी इंडियन गवर्नमेंट का स्टेक रहते हैं वहाँ पे जो कंपनी की ग्रोथ रहती है बहुत ही धीरे धीरे करके चलते। जैसे कि SBI बैंक वर्सेज HDFC बैंक का यहाँ पे रिटर्न आप लोग चेक कर सकते हैं। HDFC बैंक के जो रिटर्न है बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा है 5-10 साल में, लेकिन SBI के रिटर्न चेक कर सकते हैं बहुत ही धीरे धीरे करके चलता है। इसके वजह से क्या होता है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे ऐसे स्टॉक में ज्यादा पैसा नहीं लगाते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे अप्रूवल की जरूरत रहती है, इसके वजह से कंपनी की ग्रोथ रुक जाते है। इसके वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर थे ऐसे स्टॉक में ज्यादा पैसा नहीं लगाते। लेकिन आपको इसमें पैसा लगाना है तो आपको यहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1 या 2 साल में आपके बहुत बड़े मल्टीपल रिटर्न बनेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते 12 से 15 साल में यहाँ पे सिर्फ 124% के रिटर्न है। अगर आप FD में भी पैसा डालते हैं तो वहाँ पे इससे ज़्यादा रिटर्न बन सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगाना मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिस्की तो नहीं है, लेकिन आपका पूरा कैपिटल ब्लॉक हो सकता है आने वाले समय में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सीखना है तो थोड़ा बहुत पैसा लगा के जा सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी स्टॉक चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तो टाटा पावर अभी बहुत ही ज़्यादा फोकस में, उसके बाद अदानी ग्रीन है, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि उस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है और आगे जाके वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न बन सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी खुद का स्टडी जरूर कीजिए, उसके बाद बाय और सेल कर सकते हैं। ये तो था आज का एजुकेशनल वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।